मेरी तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पर मैं चाइनीज मांझा नहीं लेने वाला। कुछ लोग इस तरीके से करते हैं, फ्लैग लगाकर गाड़ियों में। क्या रेट है इसका भैया? हरमन और हरमन को देखो जरा, चले चलो बात की जाओ, सीधा खड़ा हो जा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। आज का जो दिन है वो है 15 अगस्त। 15 अगस्त को हमारे भारत में जो है कि इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। मेरी तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कुछ मैंने आज सोचा है कि यार आज हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। जो मैं जा रहा हूँ अपने दीदी के घर और उनके बच्चे जो है हरमन और हरगुन, शायद आप जानते होंगे, उनके पास जा रहा हूँ 15 अगस्त को। वहाँ जाके हम पतंगे उड़ाएंगे और इंजॉय करेंगे सारा दिन, और शायद हम खूब इंजॉय करेंगे और आप लोग को भी इंजॉय कराएंगे के साथ भी, और मैं खुद भी इंजॉय करूंगा। अभी जो टाइम हो गया है 11:30। ज्यादा देर ना करे, अभी निकलता हूँ मैं सीधा गाड़ी पे, और क्योंकि अभी मुझे मार्केट जाना है और पतंगे डोर मांझा वगैरह ये सब लेना है, तो जल्दी से निकलते हैं फटाफट गाड़ी में। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ घर के बाहर और गाड़ी लेकर। बस अभी जल्दी से जल्दी मैं पहुँचूंगा मार्केट, और मार्केट में देखते हैं यार कौन कौन सी क्वालिटी की पतंगे हैं और डोर्स वगैरह मिल रही हैं, बिकॉज चाइनीज माल भी काफ़ी आ रखा है, चाइनीज मांझा। पर मैं चाइनीज मांझा नहीं लेने वाला क्योंकि काफ़ी खतरनाक है यार वो मांझा। और वैसे भी हमारी गवर्नमेंट मना करती है कि चाइनीज मांझे का यूज़ ना करो, तो इसलिए मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं इंडियन मांझा लूँ, अच्छा मांझा लूँ। वो मैं आपको दिखा दूंगा कौन सा मांझा लूँगा और पतंगे कौन सी यूज़ करूँगा। जल्दी से जल्दी पहुँचते हैं सीधा मार्केट, मार्केट का हाल भी देखते हैं कैसा है, कितना क्राउड है, कौन कौन सी पतंगों का रेट क्या क्या है। पहुंचते हैं सीधा मार्केट। तकरीबन आप देख सकते हो रोड सारा खाली है और लोग कैसे गाड़ियों में और ऑटो रिक्शा में सब फ्लैग झंडे वंडे लगा के जा रहे हैं। ये देख सकते हो आप सामने झंडा लगा हुआ है, कितना बढ़िया नजारा लग रहा है यार सीरियसली। तो ये सब चीजें आप आज के दिन आपको देखने को मिलेंगी 15 अगस्त के टाइम, कि लोग कितना मतलब की सेलिब्रेट करते हैं हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है। कुछ लोगों का तरीका होता है सेलिब्रेशन करने का पतंगे उड़ाकर, कुछ लोग इस तरीके से करते हैं फ्लैग लगाकर गाड़ियों में आते हैं, रैली निकालते हैं। आप देख सकते हो सामने। तो अभी चलते हैं सीधा और मार्केट, देखते हैं मार्केट में हाल। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ मार्केट को, मेरे सामने है ये, सामने है जो पतंगे मिल रही है वहाँ पे, और कुछ मार्केट वहाँ पे भी है पतंगों की। तो पहले हमें पता करते हैं सामने। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो आप कितनी क्वालिटी वाइज पतंगे हैं, कुछ पन्नी वाली हैं, कुछ कागज की हैं, जैसे कागज वाली है। और इसका तकरीबन रेट पता करते हैं क्या रेट है, जैसे कि ये बड़ा सा गुड्डा है, क्या रेट है इसका भैया? रेट क्या, रेट 50 रुपए पैकेट। कितने पीस हैं? 50 रुपए के 6 पीस। और इसका पन्नी का 20 की एक है, और तिरंगे में होगी कुछ है? इसमें ऐसे प्लेन आ रही है सिंपल, यही बच्ची है। और मांझा बढ़िया सा दिखाओ कोई, मांझे पड़े तो हैं। कितना महंगा पड़ रहा है? चाइनीज मांझा नहीं चाहिए, सिंपल चाहिए प्लेन। अंकल मांझा दिखाना जरा। तो गाइस मुझे यहाँ पे यार कुछ रेट समझ नहीं आया यार, क्योंकि काफ़ी महंगा दे रहे हैं और सीधा रील लूज नहीं दे रहे, और दे रहे हैं जैसे 6 रील दे रहे हैं। तो अभी एक और मार्केट है वहाँ जाके पता करते हैं। तो यहाँ पे है कुछ पतंगे, क्या रेट क्या है अंकल जी पतंगों का? कागज वाली 5 की भी है 10 की भी है। सिंगल 5 की, एक भी वो ऊपर वाली पन्नी वाली, और ये नीचे कागज वाली, ये 5 रुपए की एक है, 10 रुपए की एक है, और तिरंगा में होगी। तो गाइस मार्केट में यार पूरी पतंगे भी और रील्स वगैरह सब खत्म हो रखी है, तो मुझे तो बहुत मुश्किल हो रही है। इससे अच्छा मैं कल रात को आ जाता और ले जाता। अभी एक और आखिरी है शॉप जो मैं पता कर लेता हूँ यहाँ पे, ये पतंगों का क्या रेट है और रील्स मिलती है नहीं मिलती। पन्नी वाली कागज वाली चाहिए, ये तिरंगा 10 का एक है, ये पन्नी में कागज में है, तिरंगा भी पन्नी में है, और कागज वाली दिखाना कोई, ये 10 की 1 है, तो फटी पड़ी है। और ये जो कागज वाली पड़ी है ये खत्म है सारी, फटी पड़ी है। अच्छा तो अभी गाइस मैंने ये डोर जो है पसंद की है, तो 2 रील ले रहा हूँ, जो 1 रील का रेट है वो 250 रुपीज है। तो
तो गाइस फाइनली मुझे रील भी मिल गई है और साथ में पतंगे भी मिल गई हैं। पतंगे जो मिली हैं वो छह पतंगे होंगी कम से कम 50 रुपए की, और मैंने लेनी कम से कम चार पीस ले ली हैं, बल्कि और बना लो 24 पतंगे होगी। और यहाँ पे कुछ मेरे पास पुरानी चरखड़ी भी पड़ी थी, पुरानी ये पड़ी होगी चरखड़ी, डोर पुरानी पड़ी हुई है, ये भी ले आया था शायद काम आ जाएगी, और ये वाली मैंने नहीं ली है। तो अभी चलते हैं, फटाफट, ज्यादा देर ना करें और सीधा चलते हैं कालका जी। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ दीदी के घर पे। हरगुन और हरमन बहुत बेसब्री से मेरा वेट कर रहे हैं और फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ। और रास्ते मैंने, यार सीरियसली बताऊँ तो मैंने एक फ्लैग भी ले लिया, ये पड़ा है फ्लैग, तो उसकी वीडियो मैं बना नहीं सका क्योंकि रोड पे था और ट्रैफिक जाम था, इसलिए मैंने फटाफट फ्लैग ले लिया। अभी निकलते हैं बाहर और पहुँचते हैं उनके घर पे सीधा। तो फाइनली गाइज मैं पहुंच चुका हूँ सिस्टर के घर पे और मेरे सामने है हरमन, और हरमन को देखो जरा, बिल्कुल तिरंगा से इसने पहने हुए चश्मा लगाया, क्या ये मास्क है ना, ये मास्क है। और हरगुन को देखो, इसने अपने गाल पे भी देखो ये तिरंगा टाइप बना रखा है, और अपनी पतंगे कुछ ये पड़ी हैं, और अभी इस पे हम डालेंगे कन्ने, और कन्ने डाल के उसके बाद फिर हम जाएंगे ऊपर छत पे। पर अफसोस यार एक सीन हो गया कि बाहर ना बारिश आ गई है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाहर बारिश। ये देखो मौसम देखो यार जबरदस्त, और बारिश आ रही है बहुत तेज, तूफान टाइप चल रहा है, तूफान टाइप, अचानक ही सडनली मौसम चेंज हो गया है ना, हमारा सीन ना हो रहा यार, बारिश तेज हो गई यार तेज है। वो ऐसे करते पहले कन्ने डाल देते हैं पतंग में, तो जब बारिश रुकेगी रुकेगी है ना। चलो ठीक है, तो गाइस फाइनली बाहर बारिश रुक चुकी है और हम सब जा रहे हैं ऊपर, और पतंगों को हमने कन्ने भी डाल दिए सामने, ठीक है, चले सारे ऊपर, चले चले चलो, भारत की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद, हां है रहेगा, चलो 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 ऊपर चलो, लेट्स गो, जल्दी आ जा भाई फटाफट, मांझा ले आ, ला मैं मांझा पकड़ता हूँ। गाइस अभी भी बारिश हल्की हल्की आ रही है बिल्कुल, तो पतंगे तो यार हम उड़ा रहे थे पर तो हवा भी नहीं चल रही, नीचे जमीन देखो पूरा फर्श सारा गीला हो रखा है, और सामने लग रहा है वाइपर, क्योंकि वाइपर इसलिए लग रहा है यार क्योंकि मांझा ना बीच में गीला हो गया था, और अपनी पतंगे यहाँ झूठ का बोल रहा हूँ मैं, हवा तो बिल्कुल हवा नहीं चल रही, हल्की हल्की चल रही है, देख कैसे मर मर के पतंगे उड़ रही है, वो देख सामने उड़ रही ना मर मर के, फिर हमारी पतंग भी कट गई, तो ये सारी पतंगे अपनी पड़ी हुई है यहाँ पे, और हरमन को जिद कर रहा है कि मैं उड़ाऊंगा पर उसको उड़ानी तो आती नहीं है, रुक जा इसको रख दे अभी अभी रुक जा, वो वाइपर लगने दे, उसके बाद फिर हम मारेंगे पतंगे उड़ाएंगे, ये वाइपर लग जाए उसके बाद, ठीक है, मैं अभी बड़ा तो हो जाए व्लॉग बनाने के लिए, क्यों मैंने जब तेरे को बोला था स्केट मुझे चला के दिखाए दे ना ना, क्यों क्यों। तो गाइस अभी मैं भी वाइपर एक हरगुन लेकर आ रही है वाइपर, अभी वाइपर लगाते हैं हम दोनों, जीजा जी और हम दोनों वाइपर लगाएंगे, उसके बाद फिर हम छत को सुखा के और उसके बाद फिर पतंग। तो गाइस अभी मेरी बारी आ गई है पतंग उड़ाने की, उड़ाते हैं अभी, मौसम भी सही हो गया, बढ़िया हो गया, अरे उड़ जा, फाइनली पतंग एक उड़ गई। अरे अटक ही गई, ऊपर 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 है, ऊपर अटक गई पतंग, अरे वो कहाँ आ गई, अटक गई है ये, किसी मांझे के साथ अटक गई है यार, अरे ना मेरे मुंह तक ही करी आ रही है, तो गाइस फाइनली सारी पतंगे ऑलमोस्ट उड़ा दी हैं, ये रह गई हैं कुछ गिनती की तीन पतंगे, और कुछ पतंगे यार फट भी गई हैं, आपको दिखाता हूँ, ये सामने फट गई सारी पतंगे। अभी मौसम थोड़ा चेंज हो गया, गर्मी सी हो गई है, धूप भी थोड़ी सी निकली हुई थी अभी फिलहाल, और हवा बिल्कुल नहीं चल रही, बड़ी मुश्किल से पतंगे उड़ रही हैं। जो मैं फ्लैग लेकर आया था, मैंने फ्लैग लगा दिया है, वो सामने फ्लैग लगा दिया है, अभी हरमन भी उड़ा रहा है और जीजू भी उड़ा रहे हैं, और यहाँ पे कुछ हरगुन इस तरीके से बैठी है डांस कर रही है, और कुछ कुछ लोग यहाँ पे भी आए हुए हैं पतंगे उड़ाने, ये उड़ रहे हैं सारे,
तो गाइस वैसे लगा लो कि हम बल्कि 2:30 बजे के करीब ऊपर आए थे, अभी काफ़ी थक चुके हैं यार। तो अभी अपनी पतंग उड़ रही है ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ। वो है अपनी ऊपर पतंग, ये है अपनी पतंग और यहाँ लग रहे हैं पेचे। तो बस गाइस अभी टाइम हो जाएगा, शाम हो जाएगी और आज का दिन निकल जाएगा, उसके बाद फिर मैं निकलूंगा घर के लिए। और अपना तिरंगा ये लगा हुआ है, हवा देख सकते हो यार बिल्कुल भी चल नहीं रही है, नहीं तो वरना ये तिरंगा उड़ रहा होता। बहुत ताबड़तोड़ वाली यार गर्मी हो रखी है सीरियसली। और हरमन को पतंग तो उड़ानी आती नहीं और पीछे पड़ा हुआ है। उड़ाइए पतंग, उड़ाइए, उड़ानी तो आती नहीं है। बस अभी ऐसे करते करते ना ये नीचे गिर देगा पतंग। पूरा सीधा खड़ा हो जा। वो है सामने हरमन की पतंग जो उड़ रही है ऊपर, ये रही। लो गाइस अभी अब सिस्टर भी उड़ानी शुरू कर दी पतंग, वो रही सामने पतंग और नीचे गिर दी है, नीचे गिर गई। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं नीचे, अभी हम खा रहे हैं सैंडविच। ये बन चुका है सैंडविच, सामने देख सकते हो गर्मी होगी ना बहुत ज़्यादा ऊपर। हरमन की शक्ल देखो ज़रा। कैसी होगी तेरी शक्ल, ओए क्या हुआ, बोल तो दे कुछ बोल तो सही। तो चलो गाइस अभी खाते हैं सैंडविच और उसके बाद निकलते हैं घर के लिए। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ, अभी बस ही निकलते हैं। और जो टाइम हो गया है 7:30 बज गए हैं। बहुत ही सीरियसली यार ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि यार एक्चुअली बारिश भी हुई है, जो दिन में बारिश हुई इतना उसने इतनी ह्यूमिडिटी कर दी है ना, और बुरा हाल हो गया सीरियसली। और हवा वगैरह कुछ भी नहीं चल रही है, मतलब कि ये लगा लो कि इस बार तो 15 अगस्त में यार सीरियसली मज़ा नहीं आया। पहले तो मज़ा खराब कर दिया बारिश ने, उसके बाद शाम को थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ, उड़ाने का मौका मिला, और उसके बाद एंड में आके क्या हुआ कि हवा ही रुक गई। चलो एनीवेज ऐसे तो होता रहता है, हर 15 अगस्त में कुछ ना कुछ सीन हो जाता है। तो अभी जल्दी से जल्दी फटाफट निकलते हैं घर के लिए, इस करते हैं इस वीडियो को एंड। फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ अपने घर पे और बस अब जल्दी से जल्दी इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आपको आज की पसंद आई होगी, जो कि जितनी मैंने आज बनाई है इंडिपेंडेंस डे के टाइम। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना, और कमेंट में कम से कम एक बार जरूर लिख देना हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो चलो गाइस जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।